करते हैं हिमाचल की खबरों का। हिमाचल प्रदेश में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता अनुराग शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू से विशेष बातचीत की है, देखिए। पूरे विश्व में कोरोना का संकट बड़ी गहनता से गहराया हुआ है, इसी के चलते पुलिस प्रशासन का काम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू जी, जिनका जो कार्यकाल है उन्होंने प्रदेश स्तर से ही ना लेकर बल्कि राष्ट्रीय स्तर और एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी काम किया है। इस वक्त आज वो हिमाचल के डीजीपी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। संजय जी, सबसे पहली बात, कोरोना काल में पुलिस का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपने उसके लिए क्या तैयारियां की हैं? सर नमस्कार। देखिए ऐसा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, कोरोना के समय पुलिस का काम धुरा हो जाता है। एक तो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उसके अलावा पुलिस क्योंकि ग्राउंड पे होती है, सड़क पे होती है, हमारा जो रूल है इसमें कंटेनमेंट का, आइसोलेशन का, और कोरोना बाहर से ना आए स्टेट में उसके लिए भी होता है, और जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं दूसरे हैं उसकी सुरक्षा के लिए होता है। कुल मिला के काफी बड़ी जिम्मेदारी पुलिस पे है जी। और जब से कोरोना कर्फ्यू 7 तारीख 6 बजे से लागू हुआ है, हमारी चुनौतियां और हमारी जिम्मेवारियां और बढ़ गई है। हमको जो जैसे मैरिजेस हैं, शादियां हैं, उसका प्रोटोकॉल एनफोर्स करना है, मार्केट प्लेस है, बाजारों में एनफोर्स करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग, ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना है, इंटर स्टेट बैरियर्स हैं हमारे, हमारी बहुत सैकड़ों किलोमीटर बॉर्डर है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से, उसको कंट्रोल करना है। कुल मिला के चुनौतियां जो हैं पुलिस की काफी बढ़ जाती हैं, हमारी जिम्मेवारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा सर, एक और बात जानना चाहूंगा कि जैसे पुलिस का भी काम है तो ह्यूमन बीइंग्स, तो बहुत सा इन्फेक्ट होने का खतरा पुलिस प्रशासन के साथ में पुलिस बल को भी रहता है, उसकी सुरक्षा के लिए क्या पुलिस के लिए कोई इंश्योरेंस, क्योंकि पिछली बार अगर आपको याद होगा तो फ्रंट वॉरियर्स को 50-50 लाख देने की बात की गई थी सरकार द्वारा, जबकि 2 के बाद वो चीज खत्म हो गई, तो क्या किसी तरह की इंश्योरेंस या कोई सिक्योरिटी अपने जवानों के लिए आपने की है? देखिए ऐसा है कि जो सरकार के जो आदेश हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, वो तो आज के दिन भी कायम है, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि सबसे बड़ा इंश्योरेंस तो वैक्सीनेशन है जी, और जो ग्लोबल स्ट्रेटजी जिसकी बात कर रहे हैं उसमें यही बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन 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 जी। वैक्सीनेशन करेंगे तभी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम होंगे। वैक्सीनेशन का मैंने आपको पूरा आपको स्टेटस बताया जी। साथ ही साथ जो प्रोटेक्टिव गेयर है वो हम टॉप क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वाले कोरोना फेज में खाली मास्किंग था, अब डबल मास्किंग है, फेस शील्ड है, ग्लव्स हैं, उसके बाद सैनिटाइजर है, और शिफ्ट्स को बार बार चेंज करना है क्योंकि ये वाला जो स्ट्रेन बोलते हैं ये बहुत ज्यादा वायरुलेंट है, ये सीधा छाती को हिट करता है। हाँ, हम अपने जवानों को भी ट्रेन कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसा होना चाहिए जी। और मान लीजिए थोड़ा सा भी कुछ आ जाता है, जैसे आज कांगड़ा में एसपी ऑफिस में कुछ आया, हमने बोला एसपी ऑफिस बंद कर दीजिए, सारे आइसोलेशन में चले जाए, तो वर्क है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज के दिन में हम चाहते हैं कि अगर कहीं संक्रमण हो गया उसको आइसोलेट कर सके, उसको रेस्ट दे सके ताकि वो ठीक हो फिर उसके बाद ड्यूटी पे आए। तो हम चाहते हैं कि नेचुरल है क्योंकि हम कांटेक्ट में लोगों के आ रहे हैं, संक्रमण बढ़ता रहेगा, लेकिन बढ़ेगा हम उसको कंट्रोल करेंगे। मैंने 3-4 स्ट्रेटेजीज बताई थी आपको, जैसे बताया था कि सबसे पहले तो वैक्सीनेशन, सेकंड है टेस्टिंग, मैंने ये भी बोला 30 दिन में 100% फोर्स टेस्ट करा लीजिए, अगला है जो डबल मास्किंग, फेस शील्ड वगैरह पहना, उसके बाद हमने बोला अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं, किसी को ऐसा लगता है तो सीटी स्कैन कराइए, सीटी स्कैन कराइए, क्योंकि अल्टीमेटली कहते हैं आज के साइंस के हिसाब से सीटी स्कैन में ही आता है, तो हम पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं अपने लोगों की। लेकिन एक बात हम अजीब ये देखने के आई है कि जिनको 2 बार वैक्सीनेशन लग गया उनको भी पॉजिटिव आ रहा है, वो साइंस हमको समझ नहीं आई कैसे जी। तो आपने देखा कि संजय जी ने किस तरह से पुलिस की पूरी कार्य प्रणाली का ब्यौरा हमारे सामने रखा कि पुलिस प्रशासन किस तरह से आम जनता की मदद के लिए दिन रात जुटा हुआ है। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज़।